वैक्सीन की किल्लत पर सवाल उठाते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि भारत सरकार ने 6.5 करोड़ वैक्सीन 93 देशों को 3 महीने में बेच दी। रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इन देशों में 60% देश ऐसे हैं जहां कोरोना की स्थिति खराब नहीं है। सिसोदिया ने कहा कि मार्च से अब तक देश में 1 लाख लोग मर चुके हैं। देश में बनी वैक्सीन हमारे लोगों को लग सकती थी। उन्होंने कहा विदेशों में 6.5 करोड़ वैक्सीन बांटकर कोरोना मैनेजमेंट की जगह केंद्र सरकार इमेज मैनेजमेंट कर रही थी। उप मुख्यमंत्री ने कहा हमारे वैज्ञानिकों ने देश के लिए 2-2 वैक्सीन की खोज की है। लोगों में वैक्सीन से उम्मीद जगी कि अब कोरोना से मौत नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद हम अपने देश के लोगों की जान नहीं बचा पा रहे हैं। जिस समय देश के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, इलाज ना मिलने पर मर रहे थे, ऐसे समय में केंद्र सरकार वैक्सीन का विदेश में निर्यात कर अपनी इमेज बनाने में लगी थी। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए सिसोदिया ने बताया कि 3 महीने में केंद्र सरकार 93 देशों में 6.5 करोड़ वैक्सीन निर्यात की है। उनमें से 88 देश ऐसे हैं जहां कोरोना से मृत्यु चुनौती नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस वैक्सीन से भारतीयों की जान बच सकती थी, उस वैक्सीन को केंद्र सरकार विदेशों में बेच रही थी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 अप्रैल को जब भारत में 3.32 लाख कोविड केस आए थे, उस दिन भी केंद्र सरकार ने 2 लाख वैक्सीन निर्यात की थी। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में युवाओं को वैक्सीन लगाने के लिए शेल्टर खोले गए तो केंद्र सरकार ने सिर्फ 4.5 लाख वैक्सीन दी। अपनी इमेज बनाने के लिए विदेशों में 6.5 करोड़ वैक्सीन दे दी। इसका सीधा मतलब यह है कि केंद्र सरकार के लिए अपने देश के नौजवानों की जान की कोई कीमत नहीं है। दिल्ली में वैक्सीन के लिए अपॉइंटमेंट के लिए लोग 24-24 घंटे कंप्यूटर पर आंख लगाए बैठे रहते हैं। उन्होंने कहा जितनी वैक्सीन निर्यात हुई है उतने से दिल्ली की पूरी आबादी को 3 बार वैक्सीन हो जाती। India's 18 Bureau.